मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए किचन में आई हूँ और बनाना है मुझे गाजर का जूस। तो अभी बोले कट करके रेडी रखो, वो भी आए और ये सब लेके आए हैं जिससे मुझे रेडी करना है। और अभी मैं गाजर देख रही हूँ, इतना ढेर सारा है, इसके नीचे बहुत सारा ख़राब हो गया है, तो कुछ ऐसा हो गया है, जल्दी जल्दी सब ख़त्म करना होगा। और ये सबको मुझे चुन चुन के अच्छा अच्छा रखना है और ख़राब ख़राब को सब साइड करना है। जितने भी ख़राब हो रहे थे गाजर मैं उसे फेंक दी और इतने अच्छे बचे हैं। और कुछ मैं ले ली हूँ जिसका मैं बनाऊँगी अभी जूस। और यहाँ पे इस बास्केट में मैं डाल देती हूँ। तो ये अनार लाए हैं अभी। सारे फ्रूट्स दोस्तों बाहर ही रहते हैं मेरे, सारे के सारे। फ्रिज में सिर्फ सब्जी भरा रहता है, बहुत छोटा फ्रिज है तो इतना जगह नहीं है, तो ये जगह बहुत बढ़िया मेरा सब ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे अभी पपाया का काम ले लिया है और मैं यहाँ पे गाजर को छील लेती हूँ और इसका अभी हबी बनाएंगे जूस। अब यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर ले रही हूँ। तो फाइनली सारा फ्रूट्स कट हो गया, रेडी हो गया। अब इसे सब ढक देंगे और जूस भी रेडी हो गया। चलिए तो अब जूस पी लेते हैं बैठ के आराम आराम से। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फाइनली फिनिश्ड कर दी मैं और टेस्टी था, बहुत मीठा था और एकदम पेट फुल हो गया। तो हबी को चाहिए ये स्क्रू ड्राइवर। तो कॉल बेल लग रहा है ख़राब हो गया है, उसका स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो बेल बजाने से भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हबी बोले कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा उसका स्विच में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ रख दे रही हूँ। तो बाहर साइड में है बेल और देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे प्लांट मेरे एकदम बींग है ना, तो ये वाला वाइब्स है ना मॉर्निंग का, इतना बढ़िया एनर्जी देता है ना। सारे पत्ते गीले हैं, आहा हा नहा हुआ के एकदम, और इतने अच्छे लगते हैं ना, एकदम ग्रीन ग्रीन। और यहाँ मैं लगाई हूँ डालिया, तो मैं बहुत लेट से डालिया लगाई थी जिसमें अभी कलियाँ आई हुई हैं। छोटा सा प्लांट लेके आई थी तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा कलर होगा, तो मुझे लग रहा है ये शायद येलो कलर का होगा। और चंपा भी मेरे बहुत बड़े हो गए हैं और ये रेखा पाम भी काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे प्लांट, इतने अच्छे लगते हैं ना दोस्तों इस टाइम में जब भीग जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चल के अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ आती हूँ ना तो मुझे जाने का मन ही नहीं करता, बस लगता है प्लांट को देखूँ। तो थोड़ा सा मैं करूँगी यहाँ पे डीप क्लीनिंग, तो पूरा हटाऊँगी नहीं, ऊपर ऊपर से ही मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर दे रही हूँ। तो हर एक दिन दो दिन के बीच में मैं ज़रूर कर लेती हूँ। और पूरा हटा के तो वो तो मुझे लगता है मैं 10 या 15 दिन या 1 महीने में भी दोस्तों करती हूँ। ज़्यादा गंदा दिखता है तो फिर हटा के, या फिर कुछ चेंजिंग करने का मन करता है इधर का उधर उधर का इधर तब, तो ऐसे ही डेली का इस तरह से डस्टिंग कर देती हूँ। तीसरे चौथे दिन अगर ना करूँ ना तो वो डस्ट दिखने लगता है। और ये मेरा क्रॉकरी एरिया जो है ना काफ़ी यूज़फुल है, कुछ भी सामान आया तो मैं ज़्यादा यहाँ पे रखी नहीं हूँ, खाली ही रहता है मेरा, तो कुछ भी सामान आया तो बस साइड में रख दिए, तो उसके बाद जहाँ रखना है वहाँ रखा जाता है। तो काफ़ी जगह है दोस्तों, बहुत प्यारा, मतलब इतना अच्छा मेरा स्पेस है ना ये। और डाइनिंग टेबल भी मेरा बहुत ही प्यारा है, मतलब मैं इसको ज़्यादा घिचपिच नहीं करके रखी हूँ, एकदम सिंपल ऑर्गेनाइज की, बहुत अच्छा लगता है।
आकर लाइट में जला देती हूँ। देखिए अब ये जल रहा है ना, लग रहा है ना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कैंडल लाइट हम लोग डिनर करते हैं दोस्तों। तो साइड में रियल में कैंडल वाला भी मैं स्टैंड लूँगी जिसमें कैंडल जलाऊंगी और फीलिंग आएगा कि कैंडल लाइट डिनर हम लोग कर रहे हैं। कैंडल लाइट डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। तो यहाँ पे हबी स्विच ठीक कर रहे हैं यहीं पे बैठ के। ये चाबी था तो मैं इसे रख दी और लाइट जला दी और देखिए जैसे कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मैं जाऊंगी ऊपर में सब सफाई करने। तो गैस का मैं बर्नर चेक करने गई थी ऑफ है कि नहीं, तो अब मैं जाके बाकी का जितना भी क्लीनिंग का काम है करके मैं शावर लूंगी और करूंगी दोस्तों पूजा। और देखिए दोस्तों मौसम ने रंग बदल लिया और हो रही है हल्की हल्की बारिश। तो बारिश की बूंदें काफी जोरों जोरों से पड़ रही हैं और थोड़ा सा उस वजह से थोड़ा अब लग रहा है ठंडा भी बढ़ेगा। तो अब चल के मैं ये फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो थोड़ा सा ठंडा मुझे लग रहा है तो मैं एक जैकेट डाल ली। चलिए तो अब किचन में चल के मैं ढेर सारा यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ और दोस्तों बनाना है मुझे चिकन करी और बाबू के लिए बनाना है फ्राइड चिकन। बहुत कुछ बनाना है तो इसका तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ। अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक, मिर्ची ये सब डाल करके मैं पहले चिकन को थोड़ा थोड़ा करके जैसे फिश फ्राई करते हैं ना, तो मैं चिकन को फ्राई कर ले रही हूँ। तो बढ़िया से अभी फ्राई हो जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। ऐसे मैं ढक देती हूँ और यहाँ पे मैं रेडी कर ली ढेर सारा प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, टमाटर। तैयार हो गया मेरा। अब प्याज डाल करके इसे सौते करूँगी और एक मसाला तैयार कर लूँगी। थोड़ा ही तेल डाली हूँ क्योंकि चिकन में ऑलरेडी तेल में डाल करके फ्राई की थी और धीमे धीमे आँच में मैं प्याज को भून रही थी और प्याज का कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, धनिया, जीरा का एक मैं मसाला तैयार करके और डाल के प्याज के साथ मैं धीमे धीमे भूनी, काफ़ी देर से भून रही थी। अब इसके बाद ये जो चिकन फ्राई था ना मैं इसे डाल दी। तो इसे भी कुछ देर के लिए मैं ढक ढक के पकाऊंगी और इधर मैं एक बना लेती हूँ टमाटर का चटनी। तो मटर, टमाटर, धनिया पत्ता डाल करके एक बढ़िया चटनी बना लेती हूँ और इधर गोविंद भोग चावल में बैठा दी थी और उसको मैं फ्राई करने के लिए रख दी थी। मैं आज में वो भी पक रहा है तो इसमें मैं प्याज, धनिया और गरम मसाला सब डाल के भून रही हूँ और इधर ओटीजी में यही चिकन के मसालों के साथ मैं थोड़ा सा देर के लिए बैठा दी थी। तो उसमें क्या होता है ना ओटीजी में थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है और बस ये फ्राइड राइस में मैं डाल दूँगी जिसका टेस्ट दोस्तों इतना अच्छा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना शॉर्टकट में इतना यम्मी ये चिकन फ्राइड राइस है कि क्या बताएं। मतलब मुझे बिल्कुल इसको बनाने में सोचना नहीं पड़ता है। जो मसाले के साथ मैं भून रही थी चिकन को उसी को मैं थोड़ा सा निकाल के ओटीजी में डाल दी थी और इधर गोविंद भोग में अलग से बैठा दी थी और उसके बाद मैं प्याज, कैप्सिकम, धनिया पत्ता जैसे भी फ्राइड राइस करते हैं ना, तो चावल को भून ली और ओटीजी में आराम से रोस्ट हो गया चिकन और डाल दिए। बस ये बन के रेडी हो गया और इधर चिकन करी भी तैयार हो गया दोस्तों। धीमे धीमे आज में देखिए कितना बढ़िया कलर आया इसका। तो कोई कहेगा कि ये हरी मिर्ची में है तो पूरा का पूरा मैं हरी मिर्ची में ही बनाती हूँ और इतना बढ़िया कलर आया है दोस्तों। आप टेस्ट कर लेते हैं फ्राइड राइस। तो बेटा को मेरा कंट्रोल लिए बोला मम्मा जल्दी निकालिए। तो मैं और बेटा यहाँ पे बैठ करके आराम से भी इसका इंजॉय करते हैं।
सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।